स्वागत है, मेरा नाम अंशुमान मिश्रा है। और क्योंकि आज दीपोत्सव का दिन है, आज क्योंकि दीपावली आ रही है और जिस तरीके से अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जाता है, आज वो क्षण है, वो समय है जब अयोध्या फिर से एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अगर आप देखें पीछे चारों तरफ जिस तरीके का माहौल है, जो भी यहाँ के वॉलंटियर्स हैं, जो भी समन्वयक हैं यहाँ पर, वो सभी लोग भव्य रूप से वो उन दियों को जला रहे हैं, जिन दियों को लगाने में लगातार उन्होंने 2 से 3 दिन दिए हैं। और इन तीनों दिन में जितनी मेहनत की है, जो इनकी सहभागिता है, वास्तव में सराहनीय है। और मुख्यमंत्री, मैं कहूँगा मुख्यमंत्री को दिखाएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और इनके समक्ष ही ये दीप जलाने का ये कार्यक्रम चल रहा है। और सामने जो ये स्टेज लगा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी, और जो है इसके साथ ही जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा भव्य और दिव्य माहौल जो बना हुआ है अयोध्या में, ये दिव्य माहौल कहीं और नहीं मिलेगा आपको। अगर अयोध्या आते हैं, अयोध्या का ये माहौल जितना बेहतर है, जितना सुंदर है, वास्तव में ये अद्भुत इसे देखने को ये लगता है। और मैं कैमरा मैन से कहूँ पीछे जाएं और उसके बाद दिखाएं जो ये सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और ये सारे लोग जो अपनी सहभागिता दे रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पर, इनका कार्य सराहनीय है। और क्योंकि लगातार दीपोत्सव की जब हम बात करते हैं, तो दीपोत्सव के इस समय में, चाहे अयोध्या नगरी दीपोत्सव के समय में जो भव्य रूप लेती है, जो दिव्य रूप लेती है, जो अलौकिक रूप दिखता है, वो वास्तव में वो रूप अद्भुत है। और क्योंकि आज फिर से एक बार अयोध्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, 9 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए हैं और अभी थोड़ी ही देर में वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो अनाउंसमेंट होगा, तब पता लगेगा कि वास्तव में एग्जैक्ट कितने दिए इस बार जलाए गए हैं। 2020 की हम बात करते हैं तो 5.5 लाख से ज़्यादा दिए उस समय जलाए गए थे, लेकिन अगर 2021 की हम बात करें तो 2021 और भव्य और दिव्य रूप से मनाया जा रहा है। सारे जो छात्र हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, वो सारे लोग अपना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और उसके साथ ही जो भी अलग अलग संस्था के लोग हैं, जो अलग अलग चैनल के लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और बस एक ही नारा लग रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि दीपोत्सव का वो माहौल, दीपावली का वो माहौल, जब दीपावली के दिन भगवान राम रावण का वध करके जब लंका से लंका विजय प्राप्त करके जब वो अयोध्या लौटे, तो जो अयोध्या के लोग थे उन सभी लोगों ने मिलकर एक साथ दीपावली मनाई थी। और तब से ही पुराणों में, वेद शास्त्रों में ये बात मिलती है कि उसी समय से अयोध्या में भव्य रूप से दीपावली मनाई जाती है। और अगर हम पिछले कुछ साल के कार्यकाल की बात करें, तो पिछले सालों में जितने तरीके से अयोध्या को भव्य रूप दिया गया है और भगवान रामचंद्र का जिस तरीके से मंदिर बन रहा है, ये वास्तव में बहुत अद्भुत है, बहुत अलौकिक है। और जिस तरीके से सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए आगे कार्य किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है। और आने वाले समय में सनातन संस्कृति को और बढ़ावा मिले, यही हम चाहते हैं। और जिस तरीके से कार्य हो रहा है, वास्तव में वो कार्य अद्भुत है। आप देखिए, ये जितने भी लोग, जितने भी वॉलंटियर्स, जितने भी समन्वयक यहाँ पर मौजूद हैं, वो सारे लोग अपना यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं और सिर्फ एक नारा लग रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। और जो माहौल है वो अद्भुत है, जो मन में आस्था उमड़ रही है लोगों के, वो आप देख सकते हैं चारों तरफ। एक बार दिखाएं पूरा कैमरा लेके, एक बार कैमरामैन से दिखाएं चारों तरफ, पूरा कैमरा दिखाएं, पैन करें कि किस तरीके से जो यहाँ पर समन्वयक गढ़ है, जो यहाँ पर लोग हैं, उनके उनमें अंदर कितना उत्साह भरा हुआ है, कितना मस्ती में तल्लीन होकर वो सारे लोग जो है यहाँ पर दीप जला रहे हैं, दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं और फिर से एक बार अयोध्या को वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। और थोड़ी देर में फिर से विश्व रिकॉर्ड एक बार पुनः अयोध्या बनाएगी। आप सभी लोग इसी तरीके से अपना प्यार बना कर रखें। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।